गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन. दिस इज डे सिक्स ऑफ अवर नॉर्थ ईस्ट राइड एंड टुडे वी आर इन तवांग. एंड बेसिकली वेदर तो बहुत अमेजिंग वाला है. एंड उधर साइड में अगर देखोगे ना, वहाँ पे दूर पे काफ़ी स्नो कवर्ड माउंटेंस दिखा रहा है. अभी तो काफ़ी शाम हो चुकी है, तो मतलब वैसे टाइम तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, बट एनी वेज यहाँ पर सनसेट जल्दी होता है एंड उसकी वजह से यहाँ पर ठंडा जल्दी पड़ जाता है. तो अभी हम लोग का सीन कुछ ऐसा है, यहाँ से हम लोग बाइक वाइक दिन में वॉश किए सारी, एंड उसी के साथ में देन हम लोग यहाँ से जो भी चेन लूप करना था वो सारा कर लिए. एंड बुलू भाई और मैं हमेशा पीछे रहते हैं. तो एनी वेज चलेंगे यहाँ से. तवांग मोनेस्ट्री है यहाँ पे, टी मोनेस्ट्री बोलते हैं, एंड वहाँ कवर करेंगे वो प्लेस. एंड उसके अलावा एक और लेक है, तो वो भी चीज़ कवर करेंगे, मतलब मस्त मज़ा आएगा. तो अभी बेसिकली हम लोग प्लान ऐसे किया कि आज जो है पूरा दिन तवांग में जी हो गया. ऑल सेट, अभी निकल रहे हैं यहाँ से. ओह शिट, चाबी कहाँ की? बाइक वाइक धुल गई अपनी, तो थोड़ी सी साफ लग रही है. एंड ठंडा है यार यहाँ पे काफ़ी, क्योंकि जो आसपास जो भी पार्टी है ना सारी स्नो कवर्ड है. तो जो तवांग मॉनेस्ट्री है वो तो ज़्यादा दूर नहीं है, बट लवली प्लेस यार. छोटा सा स्टेशन है एंड घूमने में भी मज़ा आ रहा है. ये तो वेलकम, ये अच्छा लगता है मेरे को. यहाँ पे लोकल जो मतलब जैसे गेट बनाते हैं ना, बहुत ही मतलब मज़ेदार बनाते हैं, अच्छा लगता है देख के. तो इसी के साथ करते हैं आज के राइड की शुरुआत. एंड हम लोग यहाँ से पहले जाएंगे तवांग मोनेस्ट्री, एंड देन उसके बाद में एक और गोम्पा है यहाँ पे, वहाँ पे जाएंगे. उसका भी नाम बताऊँगा, मेरे को बेसिकली मैंने लिख के रखा है, याद नहीं रहा. बट बाकी अगर कुछ लोकल डिश रहेगा तो वो ट्राई करेंगे इवनिंग के टाइम पे. तो स्टे ट्यून्ड एंड ब्लॉग देखो एंड तक, मज़ा आएगा. तो हमारे होटल जो कि है होटल मोन पैराडाइज, वहाँ से जो तवांग मोनेस्ट्री का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3.8 किलोमीटर्स. तो अभी हम लोग वहीं उसी रास्ते जा रहे हैं एंड जाके एक्सप्लोर करेंगे, मतलब कैसा वाइब है वहाँ का. मेरे को तो बस मोनेस्ट्री का वाइब ही अलग रखता है, तो बहुत अच्छी जगह रहती है, मतलब बहुत पीसफुल जगह लगता है वहाँ जाके. ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह लगी मेरे को, मतलब मैं तो दिन में उठा मतलब मस्त एकदम फॉग अप हो रखा था सारा जगह. एंड इधर से अगर देखोगे यहाँ पे पूरा, हम लोग काफ़ी हाइट पे हैं अभी भी, तो अगर उस साइड वाली जगह पे देखोगे मतलब उधर उधर पूरा हम लोग सेला पास क्रॉस करके आए हैं बेसिकली. तो मस्त था यार, मतलब कल का एक्सपीरियंस जो राइड का था बहुत ही अमेजिंग था. अगर आप लोग व्लॉग नहीं देखा है तो पिछले वाले व्लॉग को जाके देखो, यहाँ पे जो आई नोटिफिकेशन में आ रहा है ऊपर पे, तो मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में, अलग एक्सपीरियंस था. सो दिस इज अवर मोनेस्ट्री, वेलकम टू तवांग मोनेस्ट्री. आ जाओ अपने साथी जो आए थे बेसिकली, वो तो निकल लिए हैं तवांग मोनेस्ट्री घूम के. तो यहीं पे नाइस, यहाँ पे लगा देते साइड में. लवली देखो कितना साफ सुथरा रखा हुआ जगह को, नाइस. और उधर से क्या नजारा आ रहा है, गाइस. बेसिकली हम लोग अभी आए हुए हैं तवांग मोनेस्ट्री में, जो कि हम लोगों के होटल से जस्ट 3.8 किलोमीटर दूर था. एंड काफ़ी चिल वाला, मतलब बहुत ही पीसफुल सा वाइब है यहाँ पे. एंड लुक एट दिस, तो बेसिकली ये है मेन मोनेस्ट्री यहाँ का, दिस इज तवांग मोनेस्ट्री. तो कुछ तो बना के सुखा रहे हैं क्या, कुछ खाने पीने का है शायद.
तो एनीवेज आज मैं ये जो गिम्बल है ना इससे भी शूट कर रहा हूँ, तो होपफुली आप लोगों को जो शूट्स है ना वो अच्छे लगेंगे। तो अब यहाँ से आगे और देखते हैं क्या क्या है मॉनेस्ट्री में एंड आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो आप लोग कहाँ पे रहते थे बेंगलोर में? एमजी रोड की तरफ में। ओके नाइस। उसके बाद हम उधर क्या बोलते हैं कुशाल नगर जानते हैं आप? कुशाल नगर हाँ हाँ जी। ओके हमने उधर कुशाल नगर की तरफ मिनिस्ट्री बड़ा वाला जो है ना सेना मिनिस्ट्री। ओके उधर ये पढ़ाई किया। हाँ हाँ ओ ओके वहाँ पे की हो क्या? सही है अच्छा। तो गवर्नमेंट आधे जाती रहती थी हम। हाँ हाँ नाइस चलो अच्छा नाइस मीटिंग यू। तो गाइज अभी जो आपने कुछ शॉट्स देखे थे ये थे तवांग मॉनेस्ट्री के अंदर के एंड बहुत ही अमेजिंग वाला फील था। मतलब मैं पहले कभी मॉनेस्ट्री के अंदर गया नहीं बेसिकली, तो ये वाला है मॉनेस्ट्री, मज़ा आ गया। एंड अभी यहाँ से हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं बुद्धा स्टैचू जो कि है वहाँ पे, अगर आप लोग दिख रहे हो छोटा सा, वैसे तो गोप्रो से कैप्चर नहीं होगा बट एनीवेज चलो यहाँ से निकलते हैं। सो गाइज अभी हम लोगों ने एक्सप्लोर किया यहाँ का तवांग मॉनेस्ट्री एंड बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, मतलब मज़ा आ गया यहाँ पे घूम के। एंड लुक एट दिस, काफ़ी क्लीन रखा हुआ है। एंड इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं बुद्धा स्टैचू, जायंट बुद्धा स्टैचू जो कि वहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। सो यहाँ से जो डिस्टेंस है अराउंड 3 किलोमीटर्स का है, तो कुछ इस तरीके से था इसके यहाँ का रास्ता। तो अभी यहाँ से अभी सनसेट एक्चुअली हुआ तो नहीं है बट 151 हो चुका है एंड बेसिकली जो सूरज है वो दूसरा साइड में चला जाता है, तो जो कि पूरा माउंटेन से कवर हो जाता है, तो उसकी वजह से बच्चे बड़े मस्त हैं यार आगे। सो माउंटेन से कवर हो जाता है, तो अभी देखो धूप अगर दिख रही होगी तो आपको सिर्फ उधर वाली पहाड़ी पर पड़ रही है। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड यार यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। अभी टेम्परेचर कुछ रहेगा मेरे ख्याल से तो -1 -3 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरा बर्फ़ की पहाड़ी के बीच में है, रात में और ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। बट देखो वही चीज़ है, मतलब हर जगह का अलग वाइब होता है। जैसे लद्दाख में घूमते हैं लद्दाख का अलग वाइब है, यहाँ पे घूमने आए यहाँ का अलग है। मेरे को बेसिकली जो क्या रहता है ना, मेरे को हरी भरी पहाड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं। ये देखो यहाँ पे मतलब पेड़ पाइन फॉरेस्ट ये सारी चीज़ें रहती है ना, तो एक अलग रहता है। अब यहाँ पे भी अगर आप राइट साइड में जितनी भी पहाड़ियाँ देख रहे हो बेसिकली वो वाली सारी ही पहाड़ियाँ मतलब ग्रीनरी हैं, मतलब ग्रीन पूरा पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहाँ पे, तो उसकी वजह से ना सूखी नहीं दिखती है पहाड़ी। बहुत बिल्कुल हाइट पे चले जाते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी वाला पहाड़ी रहता है, पत्थर वाला पहाड़ी रहता है, बट तब भी मतलब यहाँ का पहाड़ी में मज़ा आया देखने में। और लुक एट दैट यार, मतलब पूरा आसपास में हर तरफ स्नो है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं बुद्धा स्टैचू, 1.3 किलोमीटर दिखा रहे, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे छोटा सा सर्कल बनाया हुआ है बट कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब यहाँ से इधर जाना है कि किधर जाना है? ओके ये टर्न नहीं है, आगे वाला है। कन्फ्यूज्ड वो देखो वहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को जायंट बुद्धा स्टैचू यहाँ का तवांग का। ये थार ना देख देख के ना अंदर से दिल जलता है मेरा। आगे से भी है, आगे से चल लेते हैं क्योंकि आगे से मेन गेट है। ये देखो कितना ब्यूटीफुल बना है यार। तवांग यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या बात है। I think this is the parking.
सो गाइज अभी मैं हूँ जायंट बुद्धा स्टैचू में तवांग के एंड कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ पे कि तो कितना सही अच्छा बनाया हुआ है एंड देयर इज जायंट बुद्धा स्टैचू और इधर पे पूरा माउंटेंस फुल्ली स्नो कवर्ड। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं देन आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा है लग रहा है। ऊपर चढ़ने में ना सांस वांस फूलता है तो अभी यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर ड्रोन शॉट निकालते हैं आप लोग एंजॉय करो। गाइस तो अभी हम लोगों का ये भी जगह कवर हो चुका है एंड अभी यहाँ से निकल रहे हैं वापस होटल माउंट पैराडाइज। काफ़ी ठंडा हो गया आई होप आप लोगों को आज छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा तवांग को एक्सप्लोर करने का एंड काफ़ी मज़ा आया मेरे को भी। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ अपना होटल। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।